भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले दुनिया भर में हैं और सभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दिन खोलकर अपने आराध्य कान्हा की पूजा करेंगे, उनका जन्म महोत्सव मनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले कृष्ण भक्तों के लिए इस जन्माष्टमी कुछ खास मिलने जा रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इस कृष्ण जन्माष्टमी से लोगों को कोलीवाड़ा के कारीगरों ने तैयार की गई नायाब कृति के दर्शन करने को मिलेंगे। 25 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित भगवान श्री कृष्ण जीवन की विभिन्न चमत्कारी घटनाओं, उनके उपदेश और जीवन चरित्र के दर्शन इस 25 लाख की लागत से बनी कलाकृति में मिलेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह आयोजन किया जाएगा, जहां 25 किलो चांदी से कृष्ण जीवन का चित्रण किया गया है। इस चित्र में कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, उनका जन्म, बाल्यकाल, गोपियों के साथ खेलना और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। कृष्ण लीला ये मंदिर की दीवार 9x18 के अंदर बनी हुई है। ये पहले इस पे लकड़ी पे काम होता है, उसके बाद चांदी का कार्य होता है। चांदी के पत्थरे हमने उदयपुर से बनवा के लेके आए और फिर जो डिजाइन लकड़ी के ऊपर अंकित होती है उस पे वो अपने औजारों से पीट के इसको डिजाइन को सेट करते हैं उसके ऊपर। इसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, डिजाइन एकदम खुल रही है बिल्कुल भी। और ये कृष्ण लीला तो हमको मंदिर की दीवार वैसे भी खाली थी, इसलिए हमको बनानी थी ताकि एक मंदिर अच्छी भव्य बन सके। इसमें पूरी कृष्ण लीला, कृष्ण का जन्म और कंस का अंत तक सारा चरितार्थ किया गया है। ये पूरा चांदी से बनाया हुआ है, 25 किलो चांदी लगी है और टोटल 25 लाख का खर्च आया है। बहुत सुंदरता है इसमें, भव्यता बहुत अच्छी है और हर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बाड़मेर का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें दीवार पे एकदम कृष्ण लीला अंकित की हुई है।